सौगात की बात है कि जय श्री राम का नारा 30 साल से लग रहा है। इसी नारे की वजह से संसद में कई बार धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर तीखी बहस हुई, लेकिन ये पहली बार है जब जय श्री राम का नारा सड़क की बजाय संसद में लगातार गूंजा और जय श्री राम के जवाब में अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर हिसाब बराबर कर दिया गया। बिहार में एंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत पर नेताओं के बेतुके बोल थमने का नाम नहीं ले रहे। किसी नेता ने गरीबी को बच्चों की मौत की वजह बताया तो किसी को भरोसा है कि बारिश आने से बच्चों की मौत रुक जाएगी। सीएम नीतीश कुमार के मुजफ्फरपुर पहुंचने पर भी ये सिलसिला जारी रहा जब उनकी मौजूदगी में एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। गरीबों का बेहतर इलाज सोचिए और क्या सोचेगा गरीब आदमी। लेकिन सीएम क्या कर सकते थे, वो तो अस्पताल का दौरा करने आए थे और जब दौरा हो गया तो वो वहां से निकल गए। मुसीबत और दुखों का पहाड़ तो उन लोगों पर टूटा जिन लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया। हैरानी की बात यह रही कि इतने जतन के बाद भी जब इन लोगों ने सीएम से मिलने की कोशिश की तो प्रोटोकॉल बीच में आ गया। फिर लोगों के पास हंगामे और प्रदर्शन के सिवा कुछ बचा नहीं। नीतीश कुमार के खिलाफ लोग नारे लगा रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एसकेएमसीएच का यह कैंपस है जहां पर आम लोगों का हंगामा चल रहा है। यह हंगामा तब हुआ जब सीएम अस्पताल के अंदर थे। इन लोगों को वहां नहीं जाने दिया जा रहा था। इनमें कई तो सीएम को अस्पताल के हालात के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन बताते कैसे? उन्हें रोकने के लिए बड़ी संख्या में जवानों को खड़ा किया गया था। सीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की गई। हंगामे की वजह से अस्पताल के बाहर तनाव का माहौल बन गया। यहाँ पर नीतीश कुमार अंदर में मौजूद हैं और दूसरी तरफ जो यहाँ के लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। इस हंगामे के बीच खबर आई कि मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत का आंकड़ा 110 पहुंच गया, लेकिन इसके बाद भी बच्चों की मौत पर नेताओं के बिगड़े बोल जारी रहे। इसी बीच अस्पताल में मौजूद लोगों का गुस्सा और भड़क गया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे ही इशारा मिला कि सीएम का काफिला किसी भी पल निकल सकता है, पुलिस वालों ने भीड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों को धक्के मारकर वहां से हटाया गया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज तो दबा दी, लेकिन अस्पताल के हालात पर पर्दा नहीं डाला जा सका। सीएम नीतीश कुमार के सामने अस्पताल के गलियारे में मरीजों को लेटे हुए देखा गया। महिलाएं और बच्चे भी वहां बैठे नजर आए। नीतीश कुमार ने ये सब देखा तो, लेकिन इस पर अधिकारियों को कोई फटकार नहीं लगाई। हैरानी की बात ये रही कि अस्पताल का दावा है कि सीएम वहां के हालात से संतुष्ट थे। पेशेंट से उनका जो वार्तालाप हुआ, उन्होंने उसमें बहुत चीजें पूछी उनसे और इलाज से वो संतुष्ट थे। अस्पताल में कुछ देर रुकने के बाद सीएम नीतीश कुमार वहां से निकल गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। कुमार यहां से निकल चुके हैं, लेकिन लोगों का हुजूम उसी तरह से यहां पर मौजूद हैं और लोग यह चाहते थे कि उनसे एक बार बात करके अपनी दुखड़ा सुनाने की कोशिश करें। अस्पताल के दौरे के बाद नीतीश कुमार की चुप्पी ने और सवाल खड़े कर